हेलो दोस्तों, मैं हूँ जुनैरा और आप देख रहे हैं बूझो तो जाने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बाइबल मुकद्दस के बहुत से किस्से भेजे हैं, जिन्हें मैं यहाँ बोर्ड पर ड्रॉ करूँगी और हम सब मिलकर बूझेंगे कि वो बाइबल का कौन सा वाक्य है। तो क्या आप तैयार हैं? पर उससे पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको बूझना पसंद है। जी हाँ, यकीनन आपको बूझना पसंद होगा, क्योंकि मुझे भी बूझना बहुत पसंद है। तो चलो मैं पहली पर्ची निकालती हूँ और हम सब मिलकर देखें कि बाइबल का वो कौन सा वाक्य है। तो चलो मैं पहला क्लू बनाती हूँ। एक पत्थर पे बैठा हुआ इंसान, ये कौन सा वाक्य हो सकता है? क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो चलो हम दूसरा क्लू देखते हैं। छोटे बच्चे और पत्थर पे बैठा हुआ एक इंसान, मुझे तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम तीसरा क्लू देखते हैं। यकीनन आप लोगों ने बूझ लिया होगा, क्योंकि मैंने तो बूझ लिया है। ये खुदा की बादशाहत का वाक्य है। जब लोग बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने लगे तो शागिर्दों ने उन्हें मना किया, मगर यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। चलो दोस्तों, अब हम दूसरी पर्ची निकालते हैं और देखते हैं कि उस पर बाइबल मुकद्दस का कौन सा किस्सा है। तो क्या आप तैयार हैं? मैं पहला क्लू बनाती हूँ। एक आदमी, ये कौन सा आदमी हो सकता है? चलो हम दूसरा क्लू देखें। दो तख्तियां, मैंने तो ये बूझ लिया दूसरे क्लू में। क्या आप लोगों ने बूझा? जी हाँ दोस्तों, ये मूसा का वाक्य है, जब खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर 10 अहकाम दिए थे। चलो दोस्तों, अब हम सब मिलकर दुआ करते हैं। ऐ बाप, मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आप हमसे बेपनाह प्यार करते हैं। इसी तरह हमें भी दूसरों से प्यार करने की तौफीक बख्शना। यीशु मसीह के नाम में आमीन। दोस्तों, यकीनन आपका भी बाइबल मुकद्दस में कोई ना कोई मनपसंद वाक्य होगा, तो वो आप हमें दिए गए फेसबुक आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।